आज हम बनाने जा रहे हैं मिल्क पाउडर का आइसक्रीम। तो मिल्क पाउडर के आइसक्रीम के लिए मैंने यहाँ पर आधा किलो तक दूध लिया है और इसे उबलने के लिए गैस पर रख दिया है। तो ये देखिए, इसमें अच्छे से उबाल आ गया है। तो हम इस तरह से इसे मिला देंगे ताकि दूध है जो बाहर ना फेंके, और इस तरह से हाई फ्लेम पर इसे मिलाते हुए ही उबालेंगे ताकि दूध जल्दी सा गाढ़ा हो जाए। ये देखिए, दूध है जो गाढ़ा हो गया है। तो इसमें हम डाले हैं मिल्क पाउडर। तो मिल्क पाउडर मैंने एक कटोरी से थोड़ा सा कम मैंने डाला है, और इसे इस तरह से मिला देंगे ताकि गाँठ वगैरह ना बने, और इसे एक उबाल आने देंगे। तो इसमें मैंने चीनी नहीं डाला है। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप थोड़ा सा इसमें चीनी डाल सकते हैं, मुझे इसी तरह ये पसंद है। तो देखिए, इसमें अच्छे से उबाल आ गया है। तो गैस को हम बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पर ये ठंडा हो गया है। डब्बे में आइसक्रीम को जमाएंगे तो इसमें हम डाल देते हैं और इसे ढक्कन से ढक देते हैं। इसे 7 से 8 घंटे तक हम फ्रिज में रखेंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। तो ये देखिए, आइसक्रीम में जो अच्छे से सेट हो गया है, तो हम अब ढक्कन हटा देते हैं। ये देखिए, तो इस तरह आसानी से आप घर पर बना सकते हैं बहुत ही कम मेहनत में, और बहुत ही अच्छे से ये बन जाता है। तो ये देखिए, तो यहाँ पर हमने चॉकलेट सिरप डाला है। अगर आपके पास नहीं है तो आप ऐसे भी ये खा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने कटोरी में सर्व किया है। इसमें मैंने चॉकलेट सिरप नहीं डाला है। तो आप इस तरह से आसानी से घर पर ज़रूर बनाएं। ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो एक बार ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक